कर रहे हैं कि भाई हमने एक ऑब्जेक्ट पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम एक स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं तो क्या होता है, अगर तो वो ऑब्जेक्ट इलास्टिक है तो वो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन फिर से एक्वायर कर लेता है, राइट? सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट पे मैंने 10 न्यूटन का डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ठीक है? अब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर क्या हुआ, एक स्ट्रेन उस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो गया, राइट? अब जब आप उस 10 न्यूटन की डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपना ओरिजिनल शेप साइज रिगेन कर लेता है कंप्लीटली, ओके? अब जैसे ही मैंने 10 न्यूटन से ज्यादा एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, मान लो 10 न्यूटन को अब मैंने 10.5 11 न्यूटन कर दिया, ठीक? अब वो फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो गया, ठीक? जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे, अब अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन नहीं एक्वायर करता तो हम कह सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ने अपना मैक्सिमम लिमिट जो है इलास्टिसिटी की वो एक्वायर कर ली है। सो इलास्टिक लिमिट वर्ड ही उसका आंसर है, एक ऐसी लिमिट जो इलास्टिसिटी को डिफाइन कर रहा है, मतलब एक ऐसी अपर लिमिट है जब तक आप अगर डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करके रिमूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन ले रहा है, लेकिन अगर आप उस लिमिट के बियॉन्ड एक फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन वापस एक्वायर नहीं कर सकता। सो वो उस ऑब्जेक्ट के लिए इलास्टिक लिमिट हो गई, ठीक है? डेफिनेशन क्या कहती है, इलास्टिक लिमिट इज द अपर लिमिट, राइट? अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम इतना आप वो इलास्टिस अपना शो करेगा, इसके बियॉन्ड नहीं करेगा, तो इट इज द अपर लिमिट, ठीक है, ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म कंप्लीटली, एंड बियॉन्ड विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज्ड द बॉडी loses its property of elasticity and gets permanently deformed, ठीक है? इलास्टिक लिमिट वो अपर लिमिट है जब तक आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के रिमूव करते हो तो वो अपना ओरिजिनल फॉर्म, अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन कंप्लीटली रीगेन कर लेगा, लेकिन अगर आप उस लिमिट से ज्यादा फोर्स बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, अब वो ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, इट विल लूज इट्स इलास्टिसिटी, ठीक है? इट विल गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड, इट विल गेट परमानेंटली स्ट्रेन्ड। हमने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, द एक्सटेंशन विच इज प्रोड्यूज इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड विच इज अप्लाइड, राइट? द रिस्टोरिंग फोर्स विच इज डेवलप्ड, so it was F proportional to X or F is equal to minus KX, ये हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, right? Now later on it was found by this person Hook, इसने क्या पता करा कि besides extension, भाई यहां पर ये जो X है ये extension produced है, right? Besides extension और भी जितनी डिफॉर्मेशंस होती हैं, या मैं कहूं जितनी भी डिफॉर्मेशंस हम एक ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो एक्सटेंशन हो, कंप्रेशन हो या बेंडिंग हो, आप बेंड कर दो एक ऑब्जेक्ट को, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के बेंड करो, फिर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन ले ले, ट्विस्ट कर दो, जैसे मेरे पास मान लो
एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये बहुत इलास्टिक है, मैंने इसको ऐसे करके ट्विस्ट कर दिया, जब मैं छोड़ूंगी तो ये वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन ले ले। सो कोई भी डिफॉर्मेशन जो हम एक ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, हर एक डिफॉर्मेशन के लिए हुक्स लॉ वैलिड है, ठीक है। पहले जब हुक्स लॉ दिया गया वो सिर्फ एक्सटेंशन के लिए था, बट लेटर ऑन हुक्स ने ये बात कह दी कि जितनी भी डिफॉर्मेशंस हम एक ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंप्रेशन, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, एक्सटेंशन, जो भी आप कर सकते हो, हुक्स लॉ हर एक डिफॉर्मेशन के लिए वैलिड है। एंड हेंस हुक ने अपना हुक्स लॉ मॉडिफाई किया। अब उसने क्या कहा, विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही द स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड इन द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। उसने अपना लॉ ही मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विदिन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। बट ये हुक्स लॉ वैलिड तभी है जब आप विद इन इलास्टिक लिमिट बात कर रहे हो। कॉमन सेंस भी यही कहती है, भाई जब तक इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है ऑब्जेक्ट, तब तक तो आप उसे डिफॉर्म करो, वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फिग्रेशन ले ही रहा है। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट तो फिर वो परमानेंटली डिफॉर्म हो ही जाएगा, फिर आप वो उसको वापस उसकी ओरिजिनल शेप साइज रीगेन नहीं करवा सकते, राइट। सो दिस इज वैलिड विद इन इलास्टिक लिमिट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट। एंड सबको पता है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, सो वी गेट इक्वल टू एंड अ कॉन्स्टेंट, और यहां पे कॉन्स्टेंट है के, स्मॉल के, ओके। सो दिस इज हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज इक्वल टू के इनटू स्ट्रेन। नाउ दिस के व्हिच इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ elasticity, or it is also called as modulus of elasticity of the material of the body, जो भी material use किया गया है। ठीक, so this is called as the coefficient of elasticity or modulus of elasticity of the material of the body, right? So यहां से अगर हम k लिखें, so k is basically the ratio of stress and the corresponding strain which is produced in the object. अब यहां इस formula से अगर आप देखो, और अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स, सो देखते ही आप कहोगे इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड। बट ऐसा नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस एज वेल एज स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ दो फैक्टर्स है जिन पर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी दैट यू आर टेकिंग। जो भी बॉडी आप ले रहे हो किस मटेरियल की बनी है, इस बात पर डिपेंड करेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। भाई कॉपर की वायर ले रहे हो, स्टील है, आयरन है, क्या है, एल्यूमिनियम है, क्या ले रहे हो आप, इस बात पे डिपेंड करेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड दूसरा फैक्टर है
द मैनर इन विच अ बॉडी इज डीफॉर्म्ड, किस तरीके से आपने इस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया है भाई, किस तरीके से का मतलब है आपने टेंसाइल स्ट्रेस लगाया या आपने कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाया या आपने हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगाया, क्या लगाया, या फिर शेयरिंग स्ट्रेस लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये दो ही फैक्टर्स है जिस पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई स्ट्रेस है, स्ट्रेन है एक ऑब्जेक्ट पे जो अप्लाई किया, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स, वहां लिखा होगा, मान लो चार ऑप्शंस है, स्ट्रेस भी लिखा होगा, स्ट्रेन भी लिखा होगा, सब लिखा होगा, ठीक है। बट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने कहा कि भाई वो डिपेंड ही सिर्फ दो फैक्टर्स पे कर रहा है, एक फैक्टर ये कि आप जो सॉलिड ले रहे हो या जो भी बॉडी ले रहे हो वो किस मटेरियल की बनी है, एंड सेकेंडली उस ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन कैसे प्रोड्यूस किया गया, मतलब कौन सा स्ट्रेस लगाया एंड कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, राइट। सो सपोज करो कि हम एक पर्टिकुलर मटेरियल का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम मटेरियल फिक्स कर रहे हैं, सो लेट्स टेक अ गिवन मटेरियल। अब एक पर्टिकुलर मटेरियल के ऑब्जेक्ट पर किस टाइप से आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो एंड कैसा स्ट्रेन उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इस चीज पर डिपेंड करके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। फर्स्ट है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसको कैपिटल वाई से इंडिकेट किया जाता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर आप नॉर्मल स्ट्रेस लगाइए एंड उसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, ठीक। हमने क्या पढ़ा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो जब हम एक ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं और उस ऑब्जेक्ट में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, उसे बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, इट हैज टू बी विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वो करने के लिए लेट्स टेक द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सपोज करिए मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट से मैंने एक वायर को हैंग किया हुआ है, ठीक है। लेट्स से इस वायर की लेंथ है L और इस लेट्स से वायर का रेडियस है R, ठीक। अब हमने इस डायरेक्शन में लेट्स से एक नीचे एक नॉर्मल, भाई नॉर्मल स्ट्रेस लगाना है, हमने नीचे की डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाकर इसको एक्सटेंड किया, लेट्स से मैंने यहां तक इसको एक्सटेंड किया, लेट्स से दैट द एक्सटेंशन विच इज प्रोड्यूस्ड इज डेल्टा एल, समझ आ गया। देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर,
हमने एक नॉर्मल फोर्स लगाई और इसके अंदर डेल्टा एल एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया। ठीक, अब यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। निकालो जरा ये दोनों क्या होंगे। नॉर्मल स्ट्रेस क्या फॉर्मूला है भाई स्ट्रेस का? स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, राइट? सो नॉर्मल स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। लेट्स से कैपिटल ए इसका एरिया है, ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। सो स्ट्रेस विल बी एफ बाय ए। व्हाट इज ए? कितना होगा इस वायर का एरिया? तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर। सो ये मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस आ गया। नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन? क्या फॉर्मूला है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का? बोलो, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कितना है चेंज इन लेंथ? डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल। सो दिस बिकम्स डेल्टा एल बाय एल, करेक्ट। सो यहां से हम यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो दिस बिकम्स एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा एल बाय एल, और वाई इज इक्वल टू एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। बस ये इसका फॉर्मूला आ गया, करेक्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट्स एस आई यूनिट, क्या होगी एस आई यूनिट? स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं, स्ट्रेन इज यूनिटलेस। तो यंग्स मॉडुलस की क्या एसआई यूनिट होगी? जो स्ट्रेस की एसआई यूनिट है। सो दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, करेक्ट। एंड सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें, सो सीजीएस यूनिट हो जाएगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? निकाल सकते हो वाई इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की डायमेंशंस क्या होता है? फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। सो एम वन एल वन टी माइनस टू इनटू एल अपॉन पाई तो गया, आर स्क्वायर इज एल स्क्वायर इनटू डेल्टा एल। सो दिस इज लेंथ ओनली, सो यहां से ये एल और एल कैंसिल। सो क्या डायमेंशंस आ गई यंग्स मॉडुलस की? एम वन एल माइनस वन टी माइनस, these are the dimensions of Young's modulus, m1, l minus 1, t minus 2. देखो, Young's modulus जो होता है, Young's modulus of elasticity, this is associated with solids only. सिर्फ solids के साथ ही Young's modulus of elasticity involve होता है। क्यों होता है? आप यहां पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे हो। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब यू आर चेंजिंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लिक्विड्स और गैसेस में कैसे आप उनकी लेंथ बदल सकते हो? नहीं कर सकते चेंज, ठीक है। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज एसोसिएटेड विद सॉलिड्स ओनली, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद लिक्विड्स एंड गैसेस। एंड एक चीज और याद रखिएगा,
जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी एक मटेरियल की, ठीक है भाई? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यही बता रहा है आपको। तो जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उतना ज्यादा हम उसे स्ट्रेच कर सकते हैं या कंप्रेस, आई मीन उतनी ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी होगी। नाउ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस जो है उसे हम कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं। बल्क मॉडुलस क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब आप एक ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करें और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, देन द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन विल गिव यू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो डेफिनेटली अगर यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहे हो, सो वी हैव टू टेक अ स्फेरिकल सॉलिड बॉडी। सो लेट्स से दैट वी हैव अ स्फेरिकल सॉलिड बॉडी एंड लेट्स से द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी इज वी, ठीक। इस ऑब्जेक्ट पर हमने, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर आपने एक फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस लगाना है, ओके? सो यू स्टार्ट अप्लाइंग नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस बॉडी एंड हेंस लेट्स से इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, लेट्स से डेल्टा वी से रिड्यूस हो गया, यानी कि ये जो अंदर अब वॉल्यूम बचा है दिस इज वी माइनस डेल्टा वी, ठीक। सो यहां पर अगर हम निकालें इसका फॉर्मूला, सो नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया, वो तो वही रहेगा उसका फॉर्मूला हमेशा, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन राइट ओरिजिनल, डेल्टा वी बाय वी, बट विद अ नेगेटिव साइन। क्यों आएगा नेगेटिव साइन? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ओके? देयर इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम, सो डेल्टा वी बाय वी। हेंस बल्क मॉडुलस इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बस आ गया फॉर्मूला। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ वी माइनस अपॉन ए इंटू डेल्टा वी, दिस इज फॉर्मूला। एफ बाय ए को आप प्रेशर भी लिख सकते हो, सो माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, ये एक और फॉर्मूला आ गया। सो दिस इज बल्क मॉडुलस, ठीक। यहां पे भी सेम चीज आएगी, एस आई यूनिट इज अगेन वही होगी जो स्ट्रेस की एस आई यूनिट है, राइट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। सीजीएस यूनिट क्या होगी? डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड डायमेंशंस कितनी होंगी? वही सेम एम वन L माइनस वन टी माइनस टू, ओके? बिकॉज है तो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही ना, इट्स जस्ट कि उसका फॉर्म दूसरा है। सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिस इज एसोसिएटेड विद ऑल थ्री, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, क्योंकि आप तीनों सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों के लिए आप वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री। एंड बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड और फिर गैस, बिकॉज
सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल. सो बल्क मॉडुलस उनके लिए सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, देयर इज वन मोर टर्म, कंप्रेसिबिलिटी. इसको स्मॉल के से ही इंडिकेट करते हैं. कंप्रेसिबिलिटी इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस. बस ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस. हेंस यहां पर अगर इसकी एसआई यूनिट देखें, इसकी क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. रेसिप्रोकल कर दो बस. सीजीएस यूनिट क्या होगी, दिस वन. ओके, सो दिस इज कंप्रेसिबिलिटी. सो थर्ड इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसको कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं. एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, उसके नाम में ही उसका आंसर है. दिस इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेन. ठीक है, सॉरी, शेयर मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन. शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता ही है. स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट. एंड शेयरिंग स्ट्रेन भी आपको पता है, शेयरिंग स्ट्रेन इज थीटा और equals to delta L by L. बस यहां से G की वैल्यू निकाल लो. सो G इज F by A upon theta. That's it. ये इसका फॉर्मूला आ गया, F upon A theta. थीटा की जगह delta L by L भी डाल सकते हो आप. सो ये बन जाएगा F L upon A into delta L. So this is शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, करेक्ट. यहां पे भी वही सेम चीज है बिल्कुल. एस आई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. सीजीएस यूनिट इज डाइन पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशंस एम वन, एल माइनस वन, टी माइनस टू. ये डायमेंशंस हो गई बेटा. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एप्लीकेबल टू ओनली सॉलिड्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लिक्विड्स एंड गैसेस. खुद इमेजिन करो ना, लिक्विड्स एंड गैसेस पे कैसे आप एक टेंजेंशियल फोर्स लगा सकते हो. मान लो एक कंटेनर है मेरे पास, उसमें मैंने पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर मैं ऐसे करके एक टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं, वो लिक्विड मूव करने लग जाएगा, करेक्ट. सो ध्यान रखिएगा, शेयर मॉडुलस इज एप्लीकेबल टू ओनली सॉलिड्स. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज शेयर मॉडुलस जो होता है, देखो अब यंग्स मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस ये दोनों सॉलिड्स के साथ एसोसिएटेड है. बल्क मॉडुलस तीनों के साथ है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, राइट. तो जो शेयर मॉडुलस होता है दैट इज जनरली लेस than Young's modulus. Usually इसकी value Young's modulus से थोड़ी कम होती है. कितनी, most of the solids के लिए shear modulus is 1/3 the Young's modulus. Usually, मैं ये नहीं कह रही हर एक object के लिए, but most of the solid materials के लिए shear modulus is 1/3 of the Young's modulus. करेक्ट. सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस.